हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3S फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश एग की रेसिपी। तो फिश एग की रेसिपी मैंने आलू के साथ बनाया है, तो मैंने यहाँ पर फिश एग ले लिया है। और फिश एग को पहले हम बॉइलिंग के लिए रखेंगे, तो इसको पहले आप थोड़ा बॉयल कर लीजिए, तो इससे क्या होता है इसका जो स्मेल है वो चला जाता है। और यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता को कट करके ले लिया है। और यहाँ पे दो आलू को मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट करके ले लिया है। तो यहाँ पे हमारा जो फिश एग है वो अच्छे से बॉईल हो गया है, इसको मैंने निकाल लिया है। इसका जो पानी है हमें उसको निकाल लेना है और उसको ड्राई होने के लिए रखना है। और यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने सरसों का तेल ले लिया है। सरसों का तेल जैसे अच्छे से गर्म हो जाता है, हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा, साथ ही में डाल देंगे हम कटे हुए प्याज। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगी, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें। फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे प्याज मैंने डाला, उसके बाद हरी मिर्ची डाल दिया है, और उसके बाद प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद हमने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिया है। टमाटर डालने के बाद आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए, नमक ऐड कर दीजिए, तो जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाता है। या फिर आप इसमें लीड लगा सकते हो, उससे भी टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको पकाना है। और तो जैसे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है, हम इसमें बाकी सारी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट में पूरा बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो फिश एग है वो दिखा दिया है। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और जैसे टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाता है, हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। आलू को भी हमें चलाते हुए थोड़ी देर पका लेना है, क्योंकि हमने नमक डाला है तो उससे भी आलू जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी हम लीड लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और आलू जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, हमें इसमें बाकी मसाला ऐड करना है। तो पहले मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ऐड किया है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। और अभी हमने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर। और सारे मसालों को अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू, टमाटर और प्याज के साथ। और जैसे मसाला अच्छे से हमारा मिक्स हो जाता है, हमें मसालों को भी थोड़ी देर पकने देना है। तो देखिए आलू हमारा सॉफ्ट हो गया है। इसके बाद हम इसमें जो फिश एग है उसको ऐड कर देंगे। फिश एग को ऐड करने के बाद हमें चम्मच की हेल्प से इसको तोड़ देना है, और फिश एग को भी अच्छे से हमें आलू और बाकी मसालों के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि मसालों का जो टेस्ट है वो भी फिश एग में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको तोड़ते हुए हमें मिक्स करना है, और गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखें। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको तोड़ लिया है। अभी हम अच्छे से आलू और प्याज, टमाटर, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको अभी हम चलाते हुए पकाएंगे, नहीं तो ये नीचे से जल सकता है या फिर कढ़ाई में चिपक सकता है। तो इसीलिए इसको चलाते हुए पकाएं। और जैसे ये अच्छे से रेडी हो जाता है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि इसकी जो थिकनेस है वो अच्छे से मेंटेन रहे। इसमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, जो आलू है वो भी हमारा है जो पानी है वो खींचेगा, और जो अंडा है उसमें भी थोड़ा सा पानी और खींचेगा, और मसाला भी पकने के लिए थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसमें दोबारा लीड लगा देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, और बीच बीच में चेक करते हुए इसको पकने देंगे। यहाँ पे देखिए अच्छे से जो पानी है वो ड्राई हो गया है,
और इसकी थिकनेस भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो अभी हम ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। धनिया पत्ता को मिक्स करने के बाद हमें 2 से 3 सेकंड और इसको पकने देना है, देन हमें इसको सर्व कर लेना है। तो आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हैं। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और घर में ज़रूर इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सर्व भी कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर करके जाइएगा। दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाय बाय।